हाँ समझ गए। ये इसका वो जो होता है ना मसाला वो अलग से प्लेट में निकालो क्योंकि तुरंत डालना रहता है तो काटने में फिर जल जाता है। जो हुक्म मेरे आका। ठीक है फिर नीचे काटिए लाइए। ये लड़की पागल है पागल है पागल है। अच्छा अलग से हाँ। फिर वो पता चला मैगी भी जल जाएगा। तो हम आपके हेल्पर हैं। आप बनी है हेल्पर नहीं देते हैं। ये लड़की पागल है। मेरा हाथ कट गया ना फिर अच्छे से पागल दिखाएंगे आपके सामने। ये ट्रिक देखो एक बार में दोनों पैकेट खा ली। लड़की पगल है पगल है पगल है पगल है पगल है पगल पगल। जब तुम कहता बड़ी क्यूट लग रही हो तब तुम कहती हो हम पैदा ही क्यूट हुए थे। और जब हम कहते हैं कि ये लड़की पागल है पागल है पागल है तब कहती हो पैदा ही पागल हुए थे। सब कुछ पैदा होते ही हो गए थे। लड़की देखो पागल है पागल है। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। हेलो कर दो। इसके साथ आना मेरी मजबूरी थी वरना यूट्यूब कमेंट ऑफ कर देता हर बार। हम बच्चे हैं ना। मेरा बच्चा मेरा गर्ल बोलू। तो आज हम लोग खाएंगे मुनमुन के हाथ की मैगी। वैसे तो मुनमुन को ज्यादा पसंद है ईपी नूडल है ना। हाँ लेकिन वो खा खा के खत्म कर दी। तो अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसलिए अब ये खाया जाएगा। मच्छर पूरा दही जमा दे जब तक। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओ मुनमुन ये क्या हो गया। आपके ट्राइपॉड का भूकंप। नहीं ये तो पुराना वाला है ना इसीलिए ये भूकंप ऐसा हो गया। देखो तभी तो बोल रहे हैं। चलो मुनमुन को सीधा किया जाए। टन सीधी होगी तुम। अरे आप तो सपने में भी आके हमको सीधा कर देती हो। तो रियलिटी है। सपने में मिलती है ओ मम्मी मेरी। हम जब सपना देखते हैं ना तो सपने में अगर कुछ गलत काम कर जाए तो मम्मी पीछे भी जरूर आ जाती है। हमको सपने में भी नहीं करने देती है। क्या 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 मतलब हम सपने में भी हाई अलर्ट रहते हैं कि तुम कुछ गलती ना करो। आ जाओगी पीछे से। आप क्या कहेंगे आके। कुछ भी बस रोक दोगी करने से जो भी कर रहे होंगे। ये अच्छा है ना तुम्हारे लिए। कम से कम सपने में तो जी रहे हैं तो ऐसा नहीं जीने दे रहे हैं क्या। पता है पहले हम लोग ना जब मतलब पहले के टाइम पे आज से 10 साल आपके जमाने में। हाँ ये भी कह सकती है। आज से 10 साल पहले एकदम से याद आ गया इसलिए बता रहे हैं। जैसे बोलो हमारे जमाने। हाँ हमारे जमाने में आत्माराम तुकाराम। हमारे जमाने की कुछ बात ही अलग थी है ना। अलग थी ना। आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं जरूर बताइएगा। तो हाँ हमारे जमाने में पता है साड़ियों का नाम कैसा होता था। करोड़पति साड़ी। कौन नहीं कौन बनेगा करोड़पति साड़ी। उसके बाद रसगुल्ला साड़ी। उसके बाद कुछ होता है साड़ी। साड़ी सलमा सितारा साड़ी। और कोई नाम और नाम हमको मम्मी से पूछना पड़ेगा। इस तरह के नाम होते थे साड़ियों के डिजाइन के। मतलब कोई भी साड़ी का ट्रेंड चलता था और अगर वो साड़ी एकदम निकल गई मार्केट में के लोग कैसे होते थे। कुछ भी हम जैसे होते थे सच में मुन्मू। और एक मजे की बात बता दे। जब ना हम मतलब नाना नानी हमारे आते थे और छुट्टियों में जैसे छुट्टी हमारी नहीं होती थी। एक मिनट हाँ हम लोगों की छुट्टी नहीं होती थी। हम लोगों का स्कूल होता था और हमारे नाना नानी अगर आते थे यहाँ पे तो नाना नानी का प्यार तो बहुत होता है ना। तो हम क्या करते थे मम्मी तो जबरदस्ती भेज देती थी कि जाओ भैया स्कूल तो जाना होगा। हाँ माँ किसकी मेरी माँ है तो असर मेरे ऊपर भी है। तो भेज देती थी कि स्कूल जाना ही जाना है। और मेरा तो मन होता नहीं था जाने का क्योंकि नाना नानी आए भाई। और नानी हमारी बहुत प्यार करती थी हमको। तो जब स्कूल चले जाते थे जबरदस्ती धक्का मार के घसीट के फेंक आते थे सब लोग स्कूल में कि जाओ। और उसके बाद वहां पे अचानक से मेरा नाटक शुरू होता था पेट दर्द का। मैडम पेट में बहुत दर्द है तो घर भेज दिया जाता। स्कूल के टीचर्स तो कितने शरीफ होते लेकिन माए कैसी होती है। हाँ अफवाहें कैसी होती हैं, तो हमको घर भेज दिया जाता था। और उस टाइम इतना मतलब नहीं होता था, क्राइम इतने नहीं होते थे हर जगह। और हम लोग मतलब हम लोग का जो एरिया था ना, कॉलोनी एरिया था और प्रोजेक्ट था पूरा, तो बिल्कुल सेफ्टी था। तो स्कूल से भेज दिया जाता था कि जाओ घर, अच्छा बेटा तुम जाओ, जाके आराम करो घर। और घर आते थे बेटा तो माँ होती है, माँ पहचान जाती थी कि इसका तो नाटक चल रहा है। और सच में नाटक ही होता था, सिर्फ एक नानी के पास रुकने का एक बहाना होता था कि कैसे भी नानी के पास रुके। तो वापस आने के बाद क्या होता था आपको दिखाते हैं। उस टाइम पे तो ये वाला नहीं आता था, ये देख रहे हैं अजमोला, उस टाइम पे ये नहीं आता था। सिर्फ एक येलो कलर की बॉटल आती थी नॉर्मल, बस मेरी माता जी एक हाजमोला, दो हाजमोला दोनों आम में पकड़ाती थी और बोलती थी जाओ वापस स्कूल। घर से फेंके जाते थे स्कूल, स्कूल में पेट दर्द का नाटक होता था, वापस घर आते थे। उसके बाद ये हाजमोला पकड़ाया जाता था दोनों हाथों में और बोला जाता था जाओ भागो स्कूल। तो मतलब रोते धोते फिर स्कूल जाना पड़ता था। नादानी ना समझी जो भी कहिए, लेकिन हाँ एक था कि नानी नाना के लिए ये मेरा प्यार था, जो बहाना ढूंढते थे कि कैसे भी नाना नानी के साथ रहें। और मेरी माताजी हमको भगा देती थी स्कूल, ठीक करती थी। चलो मास्टर साहब, सबसे पहले आप क्या कर रही हैं बताइए। आज आप चिली फाइन डाल रहे हैं। हम तो इसमें प्याज डालेंगे, हम तुम्हारे साथ साथ रहे, वरना यूट्यूब तुरंत कमेंट ऑफ कर देगा, बोलेगा ये लड़की छोटी है छोटी है छोटी है। हाँ, अभी ये रेड हो गया है, अब इसमें टोमेटो डालेंगे और ये ग्रीन चिली चला गया अंदर, चला गया अंदर, भेज दिए भेज दी। चलो लाओ ये दे दो। और ना कभी कभी प्याज को ज्यादा जल्दी रेड करना होना तो उसमें सॉल्ट डाल दिया कभी, इतना सब वो जल्दी रेड हो जाता है। तो आप लोग को कुकिंग के साथ टिप्स भी दे रही है ना। हाँ हाँ, ये शेफ अच्छा है। इतना सब सॉल्ट डाल दिया, मुझे कितनी बड़ी हो गई। देखो देखो देखो, थोड़े से बस। अब इसमें ये काली मिर्च डालेंगे। तो तुम रेसिपी शेयर करो, हम बर्तन धुल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे, नहीं डालेंगे वरना मीठा मीठा हो जाएगा। तो साथ में जो कुछ भी अच्छा था जो तुम हमको हटाने के लिए सुनाती हो बता रहे। अभी हम गायब हो जाएंगे। हम नहीं दिखाई दे रहे ना। मैगी का मसाला होता है ना, वो डालेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। बॉयल नहीं आ जाएगा तब तक इसमें मैगी नहीं डालेंगे, जब बॉयल आ जाएगा तब फिर मैगी डालेंगे। अब इसमें बॉयल आ जाएगा, इसमें मैगी डालेंगे। बस इसका पकना बाकी रह गया, बाकी सब। और हम भी आ गए हैं, बहुत गर्मी है, बर्तन धोने में हालत खराब हो गई। हाँ, अभी एक बार हम भी धो चुके हैं अपना।